कैमरे के आगे जो दिखता है वो सारा प्री फिक्सड है सारा फिक्सड होता है और ज़रूरी नहीं है जो कैमरे के आगे माहौल हो रहा है वही पीछे कर रहा हो आर्टिस्ट पहले ज़्यादा खराब करते थे कभी कर ज़्यादा खराब कर रहा है पहले भी 80s 90s में भी कुछ ऐसे गाने होते थे जो सोशली पेरेंट्स के साथ आप नहीं बैठ के देख सकते सुन सकते 90s में भी ऐसे गाने रहे और आज भी ज़्यादा हैं लेकिन अब थोड़ा उसका लेवल बढ़ चुका है एक फिल्म आई थी जिसमें ये था कि मेरा सिर्फ <laughs> एक काम है एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट नहीं देखो अखिलेश कैसा है हम लोग एंटरटेनमेंट भी करना चाहते हैं मैं एंटरटेनमेंट भी करना चाहता हूँ लेकिन मैं समाज के लिए कुछ अच्छा भी करना चाहता हूँ और मैं करता भी हूँ आई डोंट शो इट बहुत से गाने ऐसे आते हैं जिसमें चोली के पीछे क्या है और ये सब जो गाने हैं उन गानों का अलग अपना मतलब है आपने अभी जैसे बोला ना पहले भी ऐसी गाने आए हैं काफी चोली के पीछे क्या है ठीक और फिर एक एक दो गाने और थे तो राणा जी माफ करना <laughs> यस <laughs> मुझको राणा जी माफ करना तो डबल मीनिंग सॉन्ग्स हैं हाँ। तो कोई उसको तो नहीं पकड़ता आजकल भी बहुत है हाँ दोस्तों आप सभी को नमस्कार मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क युवा जब पॉलिटिक्स में आता है उसको लेकर के हमने बहुत सारी बातें की लेकिन युवा आर्टिस्ट भी तो हो सकता है तो आज हम उस युवा से बात करेंगे जो गाने गाता है आर्टिस्ट है और ऐसा आर्टिस्ट आप भी गाने सुनिए नहीं 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 दूसरा सुन लीजिए एक और सुन लीजिए सुना नहीं सकता वरना यूट्यूब का स्ट्राइक आ जाएगा मेरे ऊपर <laughs> तो आज हमारे साथ सियोम सडाना जी हैं थैंक यू और सियोम सडाना जी हरिद्वार में है yes. रहते हैं yes. लेकिन काम आपने उत्तराखंड में किया उत्तराखंड से बाहर भी कर लिया यस yes, जी अखिलेश तो सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूं मैं अपने इस द न्यूज वाला नेटवर्क में हाय अखिलेश जी थैंक यू और सवाल यही कि मतलब ये क्रिएटर जो है जैसे मान लीजिए आप संगीत की दुनिया में आ रहे हैं म्यूजिक की दुनिया में आ रहे हैं संगीत बोलेंगे म्यूजिक बोलेंगे क्या बोले म्यूजिक संगीत इन हिंदी इट्स संगीत इन इंग्लिश इट्स पर आपके गाने जो है इंग्लिश वाले ज्यादा टोन के हैं यस न्यू जनरेशन पॉप म्यूजिक इट इज अच्छा हिंदी एंड पंजाबी और अभी जल्द ही थोड़े टाइम में मेरा एक इंग्लिश सॉन्ग द क्रेजी दीजी गर्ल भी आने वाला है जैसे मैंने गाने देखे अधिकतर मैं पॉलिटिकल लोगों के इंटरव्यूज़ लेता हूँ पॉलिटिक्स पे जाऊँगा लेकिन मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि चूंकि आपके गाने थे दारूसी तो ये जो गाने हैं अभी हनी सिंग दो यो, यो हनी सिंह लेकर आ गए दारू की बात होती है चार बोटल वोट का काम मेरा रोज का तो आपका मतलब क्या है कि कोई एक एक चूज़ किया होगा पहले जब शायरी हुआ करती थी तो शराब के इर्द गिर्द घुमा करती थी मधुशाला की अलग कहानी है अखिलेश <laughs> जी क्या है कि बचपन से ही मेरे को लिखने का काफ़ी शौक़ था जब मैं एट नाइन स्टैंडर्ड में था मैं आई वॉज बॉर्न इन हरिद्वार और मेरा एजुकेशन पूरा देहरादून में हुआ है राजा वाला में बाय द नेम ऑफ द स्कूल इज़ द इंडियन पब्लिक स्कूल देहरादून तो मेरे को बचपन से ही लिखने का बहुत शौक़ था म्यूज़िक का बहुत शौक़ था आई यूज टू प्ले गिटार मेरी हॉबीज़ थी सिंगिंग एंड ऑल और फिर जब मैंने लिखना शुरू करा प्रोड्यूस करना शुरू करा कंटेंट क्योंकि मैं अपना खुद ही कंटेंट लिखता हूँ खुद ही गाने भी खुद लिख रहे हैं कंपोजिशन भी खुद ही होती है इलेक्ट्रॉनिकली जो प्रोडक्शन होता है, है वो स्टूडियो में होता है वो कोई और करता है जो मशीन में होता है कंप्यूटर में होता है तो बचपन से ही शौक था तो कुछ गाने बनाए फिर पंजाबी हिंदी गाने बनाए तो अभी हम किसी फ्रेंड सर्कल में बैठे हुए थे तो वहाँ बात उठी यार किसी वहाँ पे माहौल कुछ ऐसा था तो फ्रेंड्स ने कहा यार इस टॉपिक पे बनाओ गाना तो ऐसा नहीं है देखो गाने आज मार्केट में हर टाइप के हैं वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सॉन्ग्स डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूज़िक सब कुछ चलता है बट एक ऐसा किक आया कि चलो एक इसके ऊपर गाना बनाते हैं तो बनाया लिखा और अभी वो गाना टेन मिलियन क्रॉस हो चुका है इट्स द नेम ऑफ द सॉन्ग इज़ दारूसी जो आपको पता ही है और काफ़ी अच्छा ट्रेंड हुआ था वो तो जैसे जैसे आप लोग जैसे टॉपिक चूज़ करते हो आप लोग किसे देख करके चूज करते हो आप कि ये आजकल दारू लोग ज़्यादा पीने लगे हैं उसे देख करके माहौल कभी कभी एक कभी, एक कभी गाने होते हैं जो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमता है तो मैं कह रहा हूँ मतलब क्या क्या चीज़ देखते हो कंटेंट जैसे हम क्रिएट कर रहे हैं तो क्या देखते हो कि बाहर वाले लोग इस चीज़ को ज़्यादा पसंद करेंगे या कर रहे हैं है क्या माजरा रहा शुरू से ही इंडियन सिनेमा पॉलीवुड बॉलीवुड इसमें ग्लैमर काफ़ी रहा है हम सबको पता है, है। कैमरे के आगे जो दिखता है वो सारा प्री फिक्सड है सारा फिक्सड होता है और ज़रूरी नहीं है जो कैमरे के आगे माहौल हो रहा है वही पीछे कर रहा हो आर्टिस्ट तो ये एक एनवायरनमेंट है एनवायरनमेंट को देखते हुए ही वहाँ से लिया जाता है उसको शूट करा जाता है बनाया जाता है और यूथ को ऐसे गाने पसंद हैं यूथ को ऐसे गाने पसंद है पसंद उन लोगों को और दारू वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद है लड़की आ, के पीछे भाग रहे हैं वो ज़्यादा पसंद है हाँ अच्छा पहले के जो गाने हुआ करते थे एक शब्द आता है फुअड़पन गंदा मतलब गंदगी बेसिकली लोग बोलते हैं कि नहीं ये जो है हमारे संस्कृति के विपरीत है मैं दूसरे टर्म्स को इसको यूज़ कर रहा हूँ कि संस्कृति के विपरीत है या हमारे संस्कृति को खराब कर रहे हैं गाने तो पहले ज़्यादा ख़राब करते थे कभी ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं अखिलेश जी हर चीज़ में पॉजिटिव नेगेटिव है प्लस माइनस हर चीज़ का है पहले भी एटीज़ नाइन्टीज़ में भी कुछ ऐसे गाने होते थे जो सोशली जो पेरेंट्स के साथ आप नहीं बैठ के देख सकते सुन सकते नाइन्टीज़ में भी ऐसे गाने रहे और आज भी ज़्यादा हैं लेकिन अब थोड़ा उसका लेवल बढ़ चुका है ड्यू टू सोशल मीडिया ड्यू टू सोशल मीडिया ग्लैमर सब बढ़ चुका है अब हर एवरी वन हैज़ मोबाइल यूट्यूब ऑन फोन तो इस तरीके से तो कभी भी कहीं भी देखने लगते हैं और देखना जब शुरू करते हैं तो रील्स ज़्यादा देखते हैं हाँ है। है। लेकिन कुछ अखिलेश जी मैं कहना चाहता हूँ कुछ कंटेंट ऐसा कभी कभी रील्स करते हुए आ जाता है जो वाकई में काफ़ी अच्छा नहीं होता सिनेमा का उसमें ज़्यादा वलगैरिटी होती है तो हर एक चीज़ का एक लेवल है हाँ तो वो अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है मतलब उस उस किस लेवल पे लेकर के जाना है किस तरीके का कंटेंट क्रिएट करना है किस तरीके का आपको जैसे म्यूज़िक इंडस्ट्री में अगर हम बोलें तो कैसा जैसे उत्तराखंड की हम बात करते हैं तो उत्तराखंड के फोक्स जो हैं या जो उसका ट्रेडिशंस है उसको रिप्रेजेंट्स वाले गाने रिप्रेजेंट्स करने वाले जो गाने होते हैं उत्तराखंड में काफ़ी हिट होते हैं अभी बहुत सारे ऐसे भी गाने हैं जो उत्तराखंड के गाने हैं और ऑल ओवर एकरॉस जो इंडिया है भारत के आसपास या भारत में वो हिट हो रहे हैं तो कभी आपने ऐसा सोचा कि उत्तराखंड की संस्कृति को लेकर के या उत्तराखंड की जो भी रिचुअल्स हैं उसको लेकर के आप गाने बनाएँ और

ना जैसे बेड़ पाक मासा की बात करते हैं गढ़वाली हाँ, अभी आउट नहीं कर सकता बताऊँगा नहीं बट फ्यूचर प्लान्स हैं मेरे को लिस्ट से ठीक हो गई बात अब ये बताओ आप कि चूंकि मैं बैठा हूँ तो पॉलिटिक्स की बात तो करूँगा ही करूँगा जैसे आर्टिस्ट के perspective से क्या उत्तराखंड गवर्नमेंट या जो सरकारें हैं वो उतना बेनिफिट दे पाती हैं आर्टिस्ट को आगे बढ़ाने के लिए अखिलेश जी वॉट आई थिंक इज कि उत्तराखंड में बहुत ही अच्छी ब्यूटी है बहुत कुछ है नेचर है टैलेंट भी बहुत भरा हुआ है उत्तराखंड के अंदर बट अभी जो सरकार जो करना चाहिए वो नहीं कर रही किसके लिए खासतौर पर For तो पब्लिक नहीं सभी के लिए बोल रहे हैं या फिर आर्टिस्ट के लिए बोल रहे हैं मैं ख़ासतौर पर मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री से जो जुड़े हुए लोग हैं है, भाई नोटियाल हैं जी हैं यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो आगे बढ़े हैं तो मैं कह रहा हूँ क्या उत्तराखंड सरकार उन लोगों के लिए कुछ अच्छा करती है ऐसा ऐसा कोई व्यवस्था डेवलप करती है कि ताकि आर्टिस्ट और आए और उत्तराखंड का नाम रोशन कर बिल्कुल करती है हमारे जो सीएम साहब हैं अभी पीछे भी देखा काफ़ी जो आर्टिस्ट आते हैं बॉलीवुड के पॉलीवुड को उनको अच्छे से रिस्पांस देती है उनको अच्छी सब्सिडीज़ देती है मूवीज़ में जो शूटिंग होती है यहाँ पे मूवीज़ बॉलीवुड की तो धीरे धीरे हो ही रहा है लेकिन जो होना चाहिए मतलब एक फिल्म सिटी उत्तराखंड में बननी चाहिए वॉट आई थिंक क्या बन सकती है उत्तराखंड में फिल्म सिटी yes. जिस तरीके से मैंने देखा है कि साउथ इंडस्ट्री आ, बहुत स्लोली स्लोली आई ग्रेजुअली ग्रेजुअली आते 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 आज मैं समझता हूँ कि साउथ इंडस्ट्री ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने पूरे भारत में कब्जा कर लिया है yes. और फिल्म मेकिंग कॉन्सेप्ट सिनेमेटिक कॉन्सेप्ट जो है पूरे मैं समझता हूँ बॉलीवुड भी yes. उसको अपना रहा है यस आई टेल यू अभी 80s 90s में और 20s में क्या हुआ था जैसे नए आर्ट तब के टाइम के नए आर्टिस्ट अब तो खैर लेजेंडरीज हो गई है दलेर मेहंदी हो गए और मीका सिंह तो काफ़ी लेट हुए इससे पहले भी दलेर हंस राज हंस जी हो गए इतने पंजाबी आर्टिस्ट आते थे तब उनकी एंट्री हुई बॉलीवुड में दलेर मेहंदी जी की तब आ, एक ट्रेंड चला जब बॉलीवुड उनको वेलकम करने लग गया आज क्या है आज शुरुआत ही पंजाबी से हो रहा है अब आ जाए साउथ म्यूजिक साउथ इंडस्ट्री में फिल्म इंडस्ट्री में पहले से ही दे आर एस्टैब्लिश्ड उनका काफ़ी दे आर वेरी टैलेंटेड मैं उसमें देखता हूँ कि जो है फाइट सीन्स ये वो और काफ़ी रजनीकांत जी इज़ एन एग्जाम्पल तो इंडस्ट्री हमेशा एक रीजनल बढ़ती रही है अब ड्यू टू जियो और आपके हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं ओ टी टी आ गए हैं आफ्टर टू थाउजेंड ट्वेल्व ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम कर गई है अब जो रीजनल थी रीजनल म्यूजिक थे रीजनल फिल्म फिल्म थी

अपने आप को हम बढ़ा है। सकते हैं अब जैसे योगी जी अभी फिल्म हाँ। सिटी बन रही है ऑलरेडी द वर्क हैज स्टार्टेड उत्तराखंड में भी क्योंकि उत्तराखंड का भी फिल्म कल्चर अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है गढ़वाली मूवीज बहुत ज्यादा म्यूजिक नेक्स्ट लेवल पहुंचते जा रहा है ड्यू टू इंस्टाग्राम रील्स में चेक करता हूँ गढ़वाली म्यूजिक एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने की तैयारी में है ऑलरेडी दे हैव स्टार्टेड और काफी अच्छा कर रहे हैं पंजाबी म्यूजिक तो ऑलरेडी टू थाउजेंड टेन से पहले ही ग्रोथ मार चुका है अब धीरे धीरे क्या होता है जैसे कोई नया गाना होता आता है उसका रीमेक वर्जन बन जाता है बंगाली पंजाबी हिंदी उसका इंग्लिश आ जाता है इंग्लिश का हिंदी आ जाता है और अब जैसे कि बहुत, बहुत बहुत अच्छी अच्छी म्यूजिक कंपनीज हैं मुंबई की अब वो क्या करते हैं इंटर, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को भी कोलैब कर रहे हैं नेशनल आर्टिस्ट से तो हमारा जो म्यूजिक इंडस्ट्री है अब वो इंडिया का भी वो ग्लोबल लेवल पे जा चुका है ड्यू टू प्रमोशन एंड मार्केटिंग इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं तो खुद कंपनीज कोलेब्रेशन स्टार्ट कर चुकी हैं और एक नेक्स्ट लेवल ही माहौल जो है एनवायरनमेंट बनता जा रहा है तो आप अपने आप को पंजाबी एज ए पंजाबी सिंगर अपने आप को इस्टेबलिश करना चाहते हैं या क्या सी अखिलेश जी आई लव राइटिंग तो अब द प्रॉब्लम इज जब मैं लिखना शुरू करता हूँ तो मैं एकदम से बहुत ज़्यादा आगे चला जाता हूँ आई राइट हिंदी आई राइट पंजाबी आई राइट गढ़वाली भी मैंने लिखा है इंग्लिश भी लिख लिया तो अभी एक बैंग हाँ मिक्स तो स्काई इज़ द लिमिट स्काई इज़ द लिमिट तो भाई English. कुछ भी हो सकता है और मैं समझता हूँ कि जैसे आप मिक्स पकोड़ा खाते हैं वैसे ही आजकल गाने भी मिक्स होने लगे हैं और आजकल वही है ना कि इंग्लिश और हिंदी के बीच में हिंग्लिश आ गया English. तो हिंग्लिश वाला ज़्यादा हिट हो रहा है आजकल डेट आज के डेट में अच्छा, है ना चलिए अच्छा एक बात बताइए मुझे कि क्या जैसे आप पॉलिटिक्स के परस्पेक्टिव से हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा तो क्या लगता है आपको चूँकि जो चीज़ें हैं क्या उत्तराखंड गवर्नमेंट ठीक काम कर रही है उत्तराखंड में सरकार कौन सा अच्छा काम कर क्योंकि देखो एज अ आर्टिस्ट का भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है बिल्कुल होता है तो मैं उसी पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ अखिलेश जी मेरे हिसाब से तो अगर उत्तराखंड अगर इंडिया लेवल की बात करें तो मोदी इज़ द बेस्ट सेकंड ऑल्टरनेटिव है ही नहीं राहुल गांधी ही इज अ गुड पर्सन ही इज अ वेरी गुड पर्सन वो उनकी मीम्स भी बहुत बनते हैं वो वायरल भी बहुत होते हैं तो आप मीम्स ज्यादा देखते हैं नहीं स्क्रॉल करते हुए जो भी आ जाए <laughs> वही तो कह रहे हो राहुल गांधी के मीम्स आप ज्यादा देखते हैं उनके बनाए और, जाते और, हैं। और, नरेंद्र मोदी जी के क्या देखते हैं ज्यादा उनके भी बनाए जाते हैं उनके भी बनाए जाते हैं पर उनका काम ज्यादा अच्छा है नरेंद्र मोदी जी काम ज्यादा अच्छा है कि रील ज्यादा अच्छा है देखो काम ज्यादा अच्छा राहुल गांधी राहुल गांधी जी के रील ज्यादा अच्छी है या क्या अच्छा है चाह रहा आपसे क्योंकि मतलब क्या मतलब क्या चीज़ उसके अंदर देखी जाती है खासतौर पर कि रील ज्यादा रील में मज़ा आ रहा है हाँ मेरे को ऐसा लगता है अखिलेश जी की एक बहुत आई टी टीम है जो राहुल जी को ज्यादा ही उछाल मारती है इस तरीके से मीम्स बनाती है उनकी और अच्छा कैंपेन कैंपेन है उनके खिलाफ भाई सबसे बड़ी बात है मतलब आर्टिस्ट भी यही कह रहा है कि भाई मोदी अगेन हाँ मोदी जी उस क्यों मतलब he has the persona, he has the marketing skills and practically jo unhone decisions liye लिए हैं nation ke के लिए हमारे development के लिए और वो सबको साथ लेके aaye हैं और अभी result तीनों जो राज्यों में result आए हैं तो people are loving him जो लोग उनको प्यार कर रहे हैं अपने वोला मार्केटिंग स्किल्स उनका ज़्यादा अच्छा है इस वजह से प्यार कर रहे हैं या नहीं, है? नहीं 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 हर चीज़ अच्छा है हर हाँ, चीज़ अच्छी है मार्केटिंग भी अच्छी है हाँ और ये मार्केटिंग और ये मार्केटिंग की वजह से अपने आप को अच्छे से पब्लिश कर पा रहा है बिल्कुल बिल्कुल आप एक बात बताओ आप अभी एक जवान मूवी आई थी शाहरुख खान की ठीक है उसका मार्केटिंग प्रमोशन इतना अच्छा था वो क्रिएटिविटी और जब मार्केटिंग प्रमोशन मिलेंगे तो ऑब्वियस उछाल मारेंगे अब जो चीज़ दिखेगी वही तो बिकेगी बट आई आई एम आई वुड लाइक टू से मोदी जी इज रिजल्ट ओरिएंटेड उनका रिजल्ट है नेशन वाइज इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी डिसीजंस ही टेक्स नेशनल सिक्योरिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और लेकिन जब मैं और जब मैं जनता से और बात करता हूँ ग्राउंड पर जाता हूँ चीज़ें तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट आती है यहाँ के जो सांसद हैं जो कि लोकसभा का चुनाव इस वजह से मैं ये सवाल कर ले रहा हूँ आपसे कि यहाँ के सांसद अच्छा काम कर रहे हैं हाँ ठीक कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं ठीक है इज़ अ सीनियर सीनियर पर्सन लीडर यहाँ के जो हैं, है सांसद हैं और अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी की टीम के हैं हाँ. और मोदी जी, है। जी को वोट मिलता है मोदी जी को वोट वोत जी वोत जी मिलता, मिलता, मिलता है सांसद को को वोट वोट मोदी जी पक्का हाँ मोदी जी को वोट मिलता है मतलब हर कोई ये मानता है कि किसी कैंडिडेट को वोट नहीं मिलता लोकसभा में मोदी जी को वोट मिलता है नहीं नहीं कैंडिडेट कैंडिडेट्स को भी वोट मिलता है ऐसा नहीं है कैंडिडेट की प्रायोरिटी कम हो जाती है या कैंडिडेट का जो परसेप्शन है लोगों के बीच कम बनता है मोदी जी का ज्यादा है देखो अखिलेश जी ऐसा है ना मोदी जी से ही तो वोट मिल रहा है भाजपा को इस टाइम यही तो मैं जानना चाहूंगा अंदर ही पावरफुल मैन इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग मैंने कहा ना हु हु. तो कोई भी पार्टी डिसीजन लेती है बड़े जो लीडर्स हैं वो डिसीजन लेते हैं चाहे वो कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो बाईस वर्षा चलता है लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है कांग्रेस में कौन खड़ा हो रहा है वो मैटर करता है अभी तो कांग्रेस में कोई लीडर नहीं है कांग्रेस में लीडर्स हैं लेकिन अब मेरे को ऐसा लगता है न्यू कमर्स की जरूरत है आप, आप आप, तो आ, आप किसी का बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं एक्टर्स हैं जो पॉलिटिक्स में एंटर कर गए बाद में कभी आपकी इच्छा है कि भाई अब अभी हम गाने गा रहे हैं या फिर हम जैसे बहुत से लोग हैं जो मोदी जी को लेकर के गाना बना दिया जिन लोगों ने कुछ कुछ लोगों ने बीजेपी को लेकर के गाने बना दिए आपने कभी सोचा कि भले बीजेपी के लिए हम भी गाना बना दें मोदी के लिए गाना हाँ, बना हाँ, दें हाँ, बिल्कुल सोचा लेकिन अभी मैं सोशली ज़्यादा एक्टिव हूँ अपनी म्यूज़िक में ज़्यादा एक्टिव हूँ है ना आई मेरे फादर भी काफ़ी एक्टिव हैं ही लव्स डोनेटिंग थिंग्स और वो समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं मेरे फादर हैं आई एम फ्रॉम अ रियल एस्टेट फैमिली बिजनेस फैमिली से था मैं मेरा एजुकेशन सारा हॉस्टल में हुआ है मैं घर में कम रहा हूँ बाहर रहा हूँ अब तो मैं काम पे आ गया तो ये भी मेरा पैशन है अभी मैं इसको भी कर रहा हूँ लेकिन पॉलिटिक्स में मैंने प्लान्स हैं मेरे कुछ गाने बनाने के लेकिन अभी मेरा फोकस ज़्यादा म्यूज़िक इंडस्ट्री में है या और कोई भरोसा नहीं है बहुत से ऐसे अभिनेता होते हैं जो बाद में नेता बन जाते हैं तो ये भी कोई भरोसा नहीं है कि आप कब नेता बन अभी बन कोई ऐसा प्लान नहीं है आ, बट फ्यूचर में कुछ कह नहीं सकते फ्यूचर में कुछ फ्यूचर में कुछ कह नहीं सकते चलिए मैं समझता हूँ कि बहुत सारी बातें हैं कुछ सवाल अगर आपके हैं दोस्तों तो वो आप कमेंट सेक्शन में सवाल जरूर कर लीजिएगा कभी हम जब शिवम जी के साथ बैठेंगे इनके गानों गानों को लेकर के ले बात कर लेंगे या दूसरे जब गाना रिलीज़ करेंगे ये तो उससे लेकर के भी हम बैठेंगे चर्चा करेंगे और उन सवालों के साथ बैठेंगे है ना एक्चुअल में डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है जो वास्तव में सरकार कर रही है या या कुछ ऐसा पार्ट जो सरकार नहीं कर रही है अखिलेश जी सर दि वी आर आर्टिस्ट ठीक है हमें अपना काम करना है हमें लोगों से कनेक्ट करना है लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए समाज में न्याय जो रू, रूल्स हैं लॉज हैं उनकी इम्प्लिकेशंस भी होनी चाहिए तो उस इन टर्म्स ऑफ जो हमारी सी एम है पुष्कर सिंह धामी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन और वो अच्छा काम कर रहे हैं अभी तक जो हमने देखा उनका एडमिनिस्ट्रेशन उनका जो और है वो इट इज़ गुड तो थिंग्स मतलब लेवल पे रहनी चाहिए और स्टेबल रहनी चाहिए ये नहीं कि बार बार चेंज हो लोगों को पॉलिटिक्स में बार बार पद बदलते रहें बार बार वो पसंद नहीं है बदल, बदले बदलेगा तभी तो तभी तो इंसान आगे बढ़ेगा हाँ नहीं बदलना बदलना तो चाहिए मैं समझता हाँ, परिवर्तन होना चाहिए लेकिन समय से पहले नहीं और समय के बाद भी नहीं एक टाइम होता है मतलब आप ये कह रहे हो कि भाई मुख्यमंत्री पाँच साल तक रहो पाँच साल के बीच होना बदलो बिल्कुल किसी भी स्टेट का हो किसी भी स्टेट का हो लेकिन आप जिस बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं वही बीजेपी ऐसा करती है कभी भी किसी को बदल देती है अब कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी ऊपर के जो अखिलेश जी जो लीडर्स हैं नेशनल जो लीडर्स होते हैं किसी भी पार्टी की हो किसी भी उसकी हो वो डिसीजन ऐसे लेते हैं क्योंकि इन लोगों को सब पता होता है स्टेट में चल क्या रहा लोकल लेवल पे एम का सांसद का हर चीज़ का इनको पता होता है कि चल क्या चलिए बहुत सारी बातें होती हैं जो कई बार उसका उसके बारे में पता नहीं चलता एक, एक एक बात आप हमें लास्ट टाइम हम बता दो ये जो गाने आप बनाते हो जी उस गाने का कोई पर्पज होता भी है या सिर्फ एंटरटेनमेंट परपज है नहीं दा, एक दा, फिल्म आई थी जिसमें यह था कि मेरा सिर्फ <laughs> एक काम है इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट और इंटरटेनमेंट <laughs> नहीं देखो अखिलेश जी कैसा है हम लोग एंटरटेनमेंट भी करना चाहते हैं मैं एंटरटेनमेंट भी करना चाहता हूं लेकिन मैं समाज के लिए कुछ अच्छा भी करना चाहता हूं और मैं करता भी हूं अपने आई डोंट शो इट हर चीज दिखाई मेरा मेरा देखिए क्या है एक्चुअल में कुछ गाने ऐसे होते हैं जो मोटिवेट करते हैं कुछ गाने ऐसे होते हैं जो मोटिवेट तो करते हैं पर पता नहीं किस चीज़ के लिए मोटिवेट करें अखिलेश जी इसके ऊपर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो दिख रहा है एक चीज़ दिखाई जाती है हर एक गाने का अपना एक ऑडियंस है अब जरूरी तो नहीं है कि मान लो मैं कोई गाना गा रहा हूँ तो मैं उसमें ज़्यादा हूँ है ना शाहरुख खान है फॉर एग्जाम्पल मेगा स्टार शाहरुख खान वो जो कैमरा में कर रहे हैं वो पीछे से जरूरी नहीं है वो करते हो तो क्या ना इट्स ऑल माया वी कॉल इट इट्स ऑल माया नहीं जो बंदा मुंह पे कुछ हो पीछे से वो वैसा ही होगा वैसा ही होगा तो मतलब ये, ये, ये है कोई जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति हमेशा बार-बार जो है फिल्मों में अगर लड़की के पीछे भाग रहा है तो सच में भाग रहा हो yes, होगा यस दिस इज व्हाट आई मीन टू से ठीक है तो ऐसा आप मत समझना आर्टिस्ट का मैं टू से आर्टिस्ट और एक्टर का काम बिल्कुल डिफरेंट है Yes. इसको रियली में दिल पे मत लेना yes. और बहुत बहुत से enjoy, गान, chill, से enjoy गाने ऐसे आते हैं जिसमें चोली के पीछे क्या है और ये सब जो गाने भी ऐसी गाने है काफी। चोली के पीछे क्या है ठीक है और फिर आ, एक, एक दो गाने और थे तो राणा जी माफ करना राणा जी माफ करना तो डबल मीनिंग सॉन्ग है उसको तो नहीं पकड़ता आजकल भी बहुत है आजकल भी बहुत डबल मीनिंग गाने हैं और वो रील्स में ज्यादा चलते हैं हाँ अब लोग क्या करते हैं पकड़ लेते हैं अरे शिवम सडाना ने तो ये गाना गा दिया बादशाह ने तो ये गाना गा दिया हनी सिंह ने हो, ये हो ये, इसने तो ये गा दिया हाँ। लेकिन ये तो पहले से ही चलता आ रहा है लेकिन अब ट्रेंडिंग बहुत बढ़ चुकी है हाँ। हर एवरी वन हैज मोबाइल एवरी वन हैज इंस्टाग्राम फेसबुक है ना तो अब जो है अब सोशल मीडिया के आने की वजह से दो चीजें हैं एक अच्छा भी है अच्छा ये कि आप जल्दी हिट हो सकते हो यस अब बुरा ये है कि बुरी चीजें भी जल्दी हिट हो हैं आपकी यस तो बच के रहना चाहिए हाँ <laughs> <laughs> चलिए दोस्तों बहुत सारे विषयों को लेकर के शिवम सरडाजी से दूसरी बार हम जब चर्चा करेंगे तो आपके जो सवाल होंगे आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव से जो सवाल होंगे वो आप जरूर सवाल कीजिएगा ताकि हम इनसे पूछ सकें और आपको हम बता सकें ये बताएंगे ऑब्वियसली मैं कैसे बताऊँगा मेरा कोई आइडिया नहीं है जिसको आइडिया आया है वही बताएगा कि इस फील्ड में और क्या क्या चीज़ें होती हैं किस तरीके से किया जा सकता है वो सारे सवाल आप कीजिएगा उन सवालों को लेकर के बैठेंगे आपने जो समय दिया हमें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप थैंक यू अखिलेश जी नहीं nice. तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए शेयर कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए द न्यूज वाला नेटवर्क बहुत बहुत धन्यवाद